आज हम बनाने जा रहे हैं तीन टाइप के रायते। तो सबसे पहले हमने उसके लिए एक कप दही ले लिया है, शुगर ले ली है यहाँ, और पानी लिया है। अगर आप जो दही ले रहे हैं वो खट्टा है तो उसमें ज़्यादा शुगर ऐड करने की जगह आप उसको दूध डाल के ब्लेंड करें, पानी का यूज़ ना करें। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी शुगर डालेंगे, ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है, सिर्फ टेस्ट के लिए ज़रा सी, और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरा विस्कर है तो आप उससे करें, नहीं तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से ब्लेंड करेंगे। अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप इस टाइम पे दूध ऐड करें। ये देखिए हमारा दही ब्लेंड हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो हम और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट रायता। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ अंगूर चॉप करके ले लिए हैं, पाइनएप्पल लिया है, मिंट लीव्स, और हमने लिया है अनार के दाने। थोड़ी सी शुगर हम और ऐड करेंगे क्योंकि ये रायता थोड़ा सा स्वीट होता है। तो हमने ये जो दही ब्लेंड करके रखा था इसमें एक बाउल में ऐड करेंगे। और ये रायता थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो आप बना के इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। ग्रेप्स डालें, पाइनएप्पल, मिंट लीव्स को हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। बस इसको आप अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए हमने रायता मिक्स कर लिया है। अब इसे हम गार्निश कर देते हैं कुछ अनार के दाने से और पाइनएप्पल से। हमारा मिक्स फ्रूट रायता सर्व करने के लिए तैयार है। दूसरा रायता हम बनाएंगे लौकी का रायता। उसके लिए हमने यहाँ पे लौकी बॉईल करके और पतले ग्रेटर से ग्रेट करके ले ली है। मसाले में यहाँ नमक, जीरा पाउडर, ये भुने जीरे का मैंने पाउडर बनाया है, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिए की पत्ती और मिंट लीव्स। तो फिर बना लेते हैं। ये जो हमने दही ब्लेंड करके रखा था हम एक बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम ये बॉइल्ड ग्रेटेड लौकी डालेंगे। मसाले ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी चॉप करके डाल सकते हैं। धनिए की पत्तियां और मिंट लीव्स को इस तरीके से हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ये रायता हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम गार्निश करेंगे रेड चिली पाउडर और भुना जीरा पाउडर से। लौकी रायता हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम बनाने जा रहे हैं तीसरा रायता बॉइल्ड आलू का। तो यहाँ पे हमने एक आलू बॉईल करके ले लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। यहाँ पे सफ़ेद नमक लिया है। इन सभी रायते में अगर आप चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें भी अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ मिंट लीव्स और धनिया पत्ती ली है, और ये हमारा ब्लेंडेड दही। तो फिर चलिए बना लेते हैं। एक बाउल में हम दही ऐड करेंगे। बॉइल्ड आलू, धनिया पत्ती, मिंट लीव्स को हम इस तरह तोड़ के डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश मिंट लीव्स नहीं है तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इसे आप अच्छे से मिला लें। ये रायता हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पे हम एक तड़का लगाएंगे। तो फिर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए तड़के के लिए हमने एक तड़का पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो रायता ऑयली हो जाएगा। तो तेल के गरम होते ही हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, कुछ राई के दाने, और
करी लीव्स, कड़ी पत्ता को आप तोड़ के डालें। हमारा तड़का तैयार है। यहाँ रायते पे हम अपना तड़का डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। आलू रायता हमारा सर्व करने के लिए तैयार है।